Yeah, good evening everyone. We have chosen three questions from linear equation in two variable from RD. These are MCQs. So we are doing videography of that. Yes, here, can you please tell me which question? First is this one. Here, can you please read? The sum of the digits of a two-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is. This is question number 24. So here is the solution, my dear students. This is. Let the digit at unit place be x. Digits वाले जितने भी question हैं, वो ऐसे ही करने हैं. Unit place पे जो digit है उसे x मानना है. Tens place पे जो digit है उसे y मानना है. तो जो नंबर है हमारा हो जाएगा 10y plus x. जैसे आपने लोअर क्लासेस में नंबर बनाया होगा 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 था तभी 1 into 6 लिखा, टेंस प्लेस पे 3 था तभी 10 into 3 लिखा, राइट? अब अगर आप पहली इक्वेशन में वो कह रहा है कि दोनों जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, तो इसका मतलब है x plus y equal to 9 है. सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि अगर If 27 is added to it, then the digits are reverse. कि अगर 27 हम add करते हैं, original number में add करते हैं, तो digit जो हैं वो हमारे reverse हो जाते हैं. तो देखिए original number है 10y plus x, उसमें 27 add करोगे, तो digit reverse हो जाएंगे, मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा. और ये बन जाएगा 10x plus y. अब बहुत easy है, 10y plus x को right side पर लेकर गए हैं, sign change हुआ है, ध्यान से देखिए, 10x minus x हो गया 9x. y माइनस 10y हो गया माइनस 9y. 9 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में x माइनस y है तो x माइनस y आ जाएगा 27 बाय 9 यानी कि 3. तो वी हैव द सेकंड इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 3. अब बेटा आपके पास दो इक्वेशन थी, x प्लस y इज इक्वल टू 9, x माइनस y इक्वल टू 3. सिंपली एलिमिनेशन से कर रहे हैं, ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा. विल बी लेफ्ट विद 2x इज इक्वल टू 12, x आ जाएगा 12 बाय 2 यानी कि 6. अब यही x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाली है, 6 plus y is equal to 9, y आ जाएगा 9 minus 6 यानी कि 3. ओरिजिनल नंबर अगर आपको ध्यान हो तो 10y plus x था, y की जगह लिखिए 3 और x की जगह 6. 30 plus 6, 36 हमारा आंसर है. यस, सी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. If 217x plus 131y is equal to 913 and 131x plus 217y is 827, then x plus y is. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन है बेटा, यहाँ पर 217 कर लेना, 227 की जगह. सी है क्वेश्चन नंबर कौन सा आरडी में? सर 29. एंड पेज नंबर? 50. ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छोटी सी करेक्शन है, आरडी में वैसे कम होती हैं करेक्शंस. तो लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 217 है, राइट? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश की है, ध्यान से देखिए. ये देखिए, सबसे पहले मुझे पता लग रहा है क्योंकि क्रॉस में जो कॉफिशियंट है वो बराबर है, और क्रॉस में कॉफिशियंट बराबर है, इसका मतलब कौन सा मेथड यहाँ लग रहा है? एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड यहाँ पर लग रहा है. तो ध्यान से देखिए, एक बार इनमें दोनों इक्वेशन को आपने एड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 348x plus 348y is equal to 1740. 348 कॉमन ले लीजिए, will be left with 348 bracket x plus y is equal to 1740. 348 को राइट साइड पे ले जाइए, x plus y equal to आ जाएगा 1740 upon 348 यानी कि 5 आ जाएगा बेटा. तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारी आ गई, x plus y is equal to 5. अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए. अगर 1 माइनस 2 करोगे तो 217 माइनस 131 आ जाएगा 86x. 131 माइनस 217 आ जाएगा माइनस 86y इज इक्वल टू आ गया 86. 86 कॉमन ले लीजिए, 86 ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू 86. x माइनस y इज इक्वल टू 1 आ गया. x प्लस y इक्वल टू 5 है. थर्ड इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 1 है. थर्ड और फोर्थ दोनों है हमारे पास. आप ध्यान से देखिए, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x is equal to 6, x आ जाएगा 3. अब ये जो x की वैल्यू है ये आपको इक्वेशन नंबर 3 में डालनी है. 3 plus y is equal to 5, y आ जाएगा 2. 5 minus 3, 2 आ जाएगा, राइट?
तो एक्स और वाई की बेटा हमें वैल्यूज निकालनी थी, वो हमारी आ गई हैं इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The number of solutions of 3 power x plus y is equal to 243 and 243 power x minus y is equal to 3. Question number क्या है? Sir, 38. Okay. ध्यान से देखिए, 3 की power x plus y equal to 243 है। Answer तो बेटा इसका 1 आ रहा, पर मैंने x और y की value भी निकाल लिया। 243 की power x minus y equal to 3 है। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने है सॉल्यूशन। 3 की पावर x प्लस y इक्वल टू 243 है। 243 को आप 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस y हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, 243 की पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3 है। 243 को लिखिए 3 की पावर 5 की पार x माइनस y, ये हो जाएगा 3 की पार 5 ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू 3 की पार 1। कंपेयर कीजिए, 5 ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू 1, x माइनस y आ जाएगा 1 अपॉन 5। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस y इक्वल टू 5 फर्स्ट है, x माइनस y इक्वल टू 1 बाय 5। आप इन्हें ऐड कीजिए, y एलिमिनेट हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 5, यानी कि 25 प्लस 1 यानी कि 26 बाय 5। x आ जाएगा 26 by 5 into 1 by 2 यानी कि 13 by 5। अब ये जो x की वैल्यू है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी है, x की जगह लिखा 13 by 5 plus y is equal to 5, y आ जाएगा 5 minus 13 by 5, सॉल्व कीजिए 12 by 5 आ जाएगा। तो क्लास ये थे कुछ क्वेश्चंस आरडी से लीनियर इक्वेशन के। थैंक यू।